नमस्कार साथियों, मैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से के स्वास्थ्य विज्ञान विज्ञा शाखा के योग के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं निकेत सिंह आप सब के समक्ष आज योग विषय पर एक व्याख्यान देने के लिए आया हूँ आप सभी लोगों को। आज योग के विषय में, योग की अनेक मार्गों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मार्ग जो है वो है राजयोग। आज हम राजयोग के विषय में बात करेंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं, राजयोग के विषय में जानकारी देते हैं। तो मित्रों, राजयोग जानने से पहले हम सभी लोग योग क्या है इसके विषय में जानेंगे। योग क्या है आप सभी लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, योग का अर्थ जो होता है, साहित्यिक भाषा की बात करें तो योग का अर्थ है युजिर्योगे, युजयोगे, युजिर्योगे। योग का अर्थ वहीं से हमें लिया गया, युज का तात्पर्य है जोड़ना, मिलाना, युज योजते, इस तरह से हमें मिलाने का कार्य करना है। तो योग मिलाना, हमने बचपन से हम सीखते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि जब कभी योग की बात आती है तो गणित में प्रश्न कि हमें जोड़ना है, तो वो तो हमारे एक विषय के अनुसार हमें जोड़ने के लिए हमें अंकों को जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर हम क्या जोड़ें तो इसके विषय पे हम बात करेंगे। योग में जो जोड़ने की बात आती है वो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को जोड़ने की बात आती है। किससे जोड़ने की बातें आती है? हमें अपने व्यक्तित्व को उस परमात्म शक्ति से जोड़ना है, हमें आत्म को परमात्म से जोड़ना है, जो हमारा जो चेतन है उसे हम उस परम चेतना से हमें जोड़ देना ही, यही योग का अर्थ है। योग के अनेक अर्थ हैं, योग के अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन सबसे सरल भाषा में अगर जो हम योग की बात कहें कि योग को हम सरल भाषा में किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो योग को परिभाषित करते हुए पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, जो कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उन्होंने बताया है, जीवन जीने की कला ही योग है। जीवन जीने की कला योग है। अब जीवन क्या है और इसे किस तरह से कलात्मक तरीके से जीना है, इसके बारे में हम जानेंगे तो योग को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। योग जीवन जीने की कला है, तो जीवन क्या है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय जो है वो है हमारा जीवन। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का समय वो जीवन ही जी रहे हैं, लेकिन इसको कैसे कलात्मक ढंग से कैसे जिया जाए, इस विषय पर गहन बात सोचना है। यही अगर जो हमें इस कला का ज्ञान हो गया, इस साधना का ज्ञान हो गया, तो हम योग हम सीखने लगते हैं, हमारे जीवन में योग का अर्थ समाहित होने लगता है। तो योग जीवन जीने की कला है। तो कला क्या है? तो कला का क्या मतलब है? सुव्यवस्थित तरीके से हमें ज्ञान को प्राप्त करना, सुव्यवस्थित, ये जीवन जो है उसी को सुव्यवस्थित कर देना है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को हम अस्त व्यस्त ना करके, जैसे अन्य जीव जंतु हैं, मैं अन्य जीव जंतुओं की भी बात करता हूँ, तो वो लोग भी अपने जीवन को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं। तो मनुष्य होने के नाते, एक सबसे समझदार प्राणी होने के नाते, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपने इस जीवन को अच्छे से जिए, कलात्मक तरीके से जिए। हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें कौन कौन सी हैं, हमें क्या क्या हमें इसको कलात्मक रूप से बनाना है, तो उस विषय पर बात करेंगे। तो हमारे हमें इस शरीर के साथ साथ में, इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, जो सूक्ष्म रूप से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ये शरीर हमें स्थूल शरीर के रूप में दिखता है, ऐसे ही दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर के रूप में होता है, तीसरा शरीर होता है कारण शरीर, जो हमारी संवेगों को, हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो ये तीनों जो शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों को आपस में सुव्यवस्थित तरीके से मिला देना। अब हमारा जीवन क्या है? अस्त व्यस्त रहता है। कैसे रहता है? शरीर से हम कहीं पर होते हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन में प्रगति के लिए, जैसे आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, और भी बहुत सारे लोग अलग अलग कार्य करते हैं, तो अलग कार्य, जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में यदि हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर लेंगे, यदि हम जोड़ लेंगे आपस में, क्या होता है, शरीर से तो हम उस कार्य में लगे होते हैं लेकिन मन हमारा एकाग्र नहीं है, मन हमारा किसी और जगह पर है, तो हम अपने जीवन में जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसमें जितनी हमारी सफलता चाहिए, जितनी सफलता की आवश्यकता है, वो उतनी सफलता नहीं मिल पाती।
तो हमें क्या करना है, हमारे शरीर को भी, हमारे मन को भी और हमारी भावनाओं को भी, तीनों को क्या करना है, हमें समेट कर ले चलना है, आपस में मिला देना है। यही मिला देना ही क्या है, योग है। अब योग के बारे में हमने बात की, तो योग के कहाँ से उत्पत्ति हुई, योग कहाँ से शुरू हुआ, कब से आया, और योग को इससे बीच में क्या हुआ जिसके कारण हम सब लोग योग को भूल गए, तो इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे 2 मिनट की। तो योग के इतिहास के विषय में ज़्यादा नहीं बताते हुए सीधे संक्षेप में बताएं कि जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, लोग कुछ लोगों का मत है कि जब से वेद शुरू हुए, वेदों में योग का ज्ञान है, तो वेदों में भी ज्ञान है, तो उससे भी पहले योग होता चला आया है, इसलिए उसमें ज्ञान है। तो योग सृष्टि के उत्पत्ति के साथ, सृष्टि की उत्पत्ति के साथ में योग के विषय में बताया गया है कि योग पहले से ही है। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में सीधे देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में अपना व्याख्यान या अपना प्रवचन किया, और उसके माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ा, हिरण्यगर्भ के माध्यम से आगे बढ़ा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लोगों के पास आया। तो ये योग का जो पूरा ज्ञान था या विस्तार था, ये योग का ज्ञान हमें किस रूप में मिलता है, पहले के समय पर हमें ये एक दर्शन के रूप में दिखता था, सिर्फ इसका एक वो स्वरूप था कि मात्र अंतरंग के द्वारा, अंतरंग योग के माध्यम से हम इसको जान सकते थे, इसकी साधना थी, बड़ा कठिन था, इसको बहुत सरलीकृत करने का काम होना था जो हम आम लोगों के बीच में, हम सब लोग इसको कर सकें। जो ज्ञानी थे तो उनके लिए तो योग का मार्ग वो तो है ही है, लेकिन जो लोग योग को अभी व्यवहारिक रूप से नहीं जानते हैं, उनके लिए योग का जो ये पक्ष जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो उसको सरलीकृत करने का प्रयास था। तो ये धीरे 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 करते हुए ये परंपराओं के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ा और योग का विस्तार होता चला गया। पहले के समय में योग का जो ज्ञान था, विज्ञान था, ऋषि मुनियों के माध्यम से प्रसारित था, ऋषि मुनियों के पास में था, ज्ञानियों के पास में था, वो लोग आत्मसात करते थे और उसके आधार पर योग की साधना करते थे। तो ये कहने का अर्थ यह है कि एक समय था कि जब योग था सिर्फ जंगलों में था, जंगलों का मतलब है वनों में, लोग वनों में पर्वतों पर जाकर के ध्यान साधना, योग साधना करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब के लिए, हर मानवता के लिए ये जरूरी है, इस चीज़ की का ध्यान में रखते हुए अनेक ऋषियों महर्षियों ने इसके लिए प्रयास किया, जिसमें सबसे अथक प्रयास महर्षि पतंजलि ने किया। महर्षि पतंजलि ने योग को जन जन तक पहुँचाने के लिए उसका सरलीकृत स्वरूप प्रदान किया, और आप जानते हैं कि अनेक मार्गों में सबसे सरल मार्ग जो है, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र, योग दर्शन में योग सूत्र के माध्यम से बताया। हम सब लोग योग सूत्र को जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने लिखा था, और इसमें 4 अध्याय हैं। इन 4 अध्यायों में योग के पूरे स्वरूप के बारे में बताया गया है, और मुख्य रूप से जो बताया गया है, जिस ये हम देख पा रहे हैं कि हम राजयोग या अष्टांग योग के बारे में, तो राजयोग अष्टांग योग के बारे में उन्होंने जो बताया है वो आपके योग दर्शन में बताया गया है। योग के बहुत सारे मार्ग हैं, आपने बहुत सारे मार्गों में सुना होगा, राजयोग जैसे हमने अभी यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, राजयोग, मंत्र योग, लय योग, और कौन सा मंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इस तरह से कई सारे मार्ग हैं। अनेक मार्गों में से एक मार्ग है जो सबसे सरलीकृत है, वो है राजयोग। राजयोग, तो आइए हम सब लोग राजयोग पर जानते हैं, राजयोग है क्या। अब ये हम यहाँ पर अष्टांग योग ये आपको देख रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये अष्टांग योग जो है राजयोग के ही अंग हैं। राजयोग जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, तो राजयोग के विषय में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। राजयोग जो है उसके विषय में हम बात करेंगे, तो राजयोग जो है किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे। राजयोग का मतलब समझ सुनकर के लगता होगा कि राजा महाराजाओं के लिए होता होगा, या बड़े बड़े जो राजा लोग हैं जो बिल्कुल बहुत ही वैभवपूर्ण जीवन जी रहे हैं, वैभवपूर्ण जीवन के साथ जी रहे हैं, उन लोगों के लिए ही शायद राजयोग बना होगा, जबकि ऐसा नहीं है। राजयोग का अर्थ ऐसा राजयोग है, राजयोग का मतलब वो राजपथ, जिस तरह से आपने सुना होगा राजपथ होते हैं, तो राजपथ पे सब चल सकते हैं, सबको चलने का अधिकार है। वो नीचा ऊंचा, बड़ा छोटा, गरीब अमीर, हर प्रकार का व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति भी, अस्वस्थ व्यक्ति भी, सभी प्रकार के व्यक्ति उस मार्ग को अवलंबन कर सकते हैं, उस मार्ग के द्वारा
चल सकते हैं। तो ये राजमार्ग की जो बात आ रही है वो सबके लिए है, सब लोग उस पर चल सकते हैं। और इतना सरल है, इतना सरल और संक्षिप्त और इतना शानदार है कि इसको अपना करके कोई भी योग के मार्ग पर प्रशस्त कर सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग या राजयोग, राजयोग को ही अष्टांग योग कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, राजयोग को ही अष्टांग योग भी कहते हैं। तो अष्टांग योग किस लिए, इसके आठ अंग हैं। आठ अंग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये आठ अंग हैं। अब इन आठों अंगों को हम क्रमशः संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे कि अष्टांग योग क्या है, कैसे किया जाता है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि आठ अंग है, तो आठ अंगों में जो ये प्रारंभ में जो ये चार हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, ये और ये प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सभी जो अभ्यास हैं ये क्या है, ये एक तरीके से दो भागों में इनको बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं, एक तो है यम नियम आसन प्राणायाम, ये चार भाग इनको हम कह सकते हैं या बहिरंग, ये बहिरंग साधना है। यम नियम आसन प्राणायाम बहिरंग साधना के अंग हैं। उसी तरह से इसमें प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये हमारे अंतरंग साधना के लिए, योग की अंतरंग साधना में। अंतरंग और बहिरंग क्या है इसको हम आप अच्छे से समझ पाएंगे जब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले यम नियम के बारे में। यम नियम हमारे पहले दो अंग हैं, यम नियम के विषय में जानेंगे। यम क्या है, नियम क्या है। यम सुनकर के आपको लगता होगा शायद यम जो मृत्यु के देवता हैं, शायद उन्हीं से संबंधित ये कोई बात है। नियम के बारे में जानते होंगे, नियम का मतलब होता है कि हमारे लिए जो अनुशासन बनाए जाते हैं वो, जबकि यम का अर्थ यह नहीं है, यम का अर्थ मृत्यु के देवता से नहीं है, यम का अर्थ हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ऐसा आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन ही क्या है, यम है। तो आइए हम इसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। यम, यम शब्द का अर्थ मृत्यु के देवता से नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। यम वाह्य सामाजिक अनुशासन का प्रतीक है, यह पांच व्रत या अनुशासन की एक संज्ञा है। पांच व्रत हैं, वो कौन कौन से हैं व्रत, और वो सामाजिक रूप से और जो हमारे लिए वाह है, दूसरे लोगों के लिए बाहरी रूप से और सामाजिक रूप से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनका अवलंबन करेंगे तो हम यम के पायदान पे चल पाएंगे। और आपको पता ही है महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में जो बात की है वो क्या की है, सबसे पहले शुरुआत की है अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासन अनुशासन के रूप में। यहां पर भी देखिए अनुशासन की बात आ गई, सबसे पहले अनुशासन, और कौन सा अनुशासन, व्यक्तिगत नहीं सामाजिक अनुशासन, बाह्य रूप से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने आसपास के लिए, सबके लिए अनुशासन है। वो कौन कौन से अनुशासन है, इसमें यम के विषय में बताया गया है, सूत्र है पतंजलि योग सूत्र में दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है, कौन सा है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह क्या है, यम है। तो इसमें हम सबसे पहले जो सूत्र जो बात हुई है यम, यम के विषय में जानेंगे। यम में अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या होता है, अहिंसा का मतलब हम एक मात्र छोटे से स्वरूप में इसको जानते हैं, अहिंसा का मतलब है किसी के ऊपर हिंसा ना करना। अहिंसा मतलब आ जो लग गया जाता है, मतलब ना करना, अहिंसा आ का अर्थ हो जाता है ना करने के लिए प्रेरित करना। तो अहिंसा किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी को कष्ट ना देना, किसी को मारना नहीं, ये अहिंसा के बारे में हमें लगता है, लेकिन ये एक छोटा स्वरूप हो जाता है। यहाँ पर बड़े विस्तार रूप से बताया गया है कि अहिंसा क्या है। अहिंसा के विषय में बताया गया है कि मन शब्द कर्म से हानि ना करना, मन शब्द और कर्म से हानि ना करना। अब मन, मनसा वाचा कर्मणा, अब हमें तो ऐसा लगता था कि हम शायद किसी को शरीर से हम किसी को कष्ट दे रहे हैं या किसी को मार रहे हैं या किसी को दुख दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारे लिए कि ये हिंसा हो गई। अब ये ना करना ही हमें अहिंसा समझ में आता था, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई थोड़ा गहराई से बताया गया है कि मन शब्द और कर्म से हानि ना करना, किसी को मन से भी ना बोलना, मन से किसी को क्षुब्ध ना करना कि किसी से हमने ऐसी बात कह दी कि वो उसको अंदर से दबाव लगने लगा, वो अंदर से क्षुब्ध हो गया, वो दुखी हो गया और उसे तकलीफ होने लगी। तो कष्ट जो हम दे रहे हैं किसी को मन से, किसी के बारे में अप्रिय चिंतन करके, किसी के बारे में बोल करके, ये जो चिंतन है वो भी किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है। केवल हम बोलते हैं उतना ही नहीं, वचन से ही नहीं,
चिंतन से भी, तो चिंतन से भी हमें किसी के लिए अहिंसा वाले हिंसा वाली बात नहीं सोचना है, किसी को की हिंसा के बारे में नहीं बात करनी है। मन, उसके बाद में वचन, वचन मतलब शब्द, और कर्म, कर्म के माध्यम से भी नहीं करना, कर्म से तो बिल्कुल नहीं करना है। शब्दों से भी हमें किसी को, अब ये नहीं कहना कि हम तुमको अभी क्या होता है कि मार देंगे या तुम्हें मार डालेंगे, या इस तरह के जो शब्द होते हैं नकारात्मक जो हमें हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है। तो ये हो गया अहिंसा। तो अहिंसा के बाद में हम चलते हैं सत्य। अगला है विषय सत्य। सत्य का मतलब है, सत्य का अर्थ है मन वचन और कर्म से झूठ ना बोलना। झूठ तो क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं कि भाई हमने किसी के सामने झूठ नहीं बोला, शब्द मुंह से नहीं बोला, लेकिन क्या हो गया, हमने अगर जो किसी की हमने योजना भी बनाई है, अगर जो योजना में हमने ये सोच लिया है कि हम झूठ बोलेंगे, तो ये सोचना भी क्या है, ये भी आपके लिए असत्य कहलाएगा, असत्य रूप में। तो सत्य का व्रत, ये जो व्रत हमने बताया, अनुशासन बताए हैं, तो अहिंसा हो गया, ऐसे ही सत्य हो गया। अहिंसा के बारे में हमें जब उधर बात कर रहे थे तो हम आपसे बता दें, क्षमा चाहेंगे, अहिंसा की बात बताया था, तो अहिंसा का मतलब है जीव जंतुओं के साथ साथ में मनुष्य के लिए भी और हर प्राणी मात्र के लिए अहिंसा। ऐसे ही हम जब बात करेंगे सत्य के बारे में, तो सत्य भी इसी प्रकार से हमें मन वचन कर्म से नहीं बोलना, किसी के लिए सत्य असत्य नहीं बोलना है, सत्य का ही वचन बोलना है। तो सत्य का व्रत धारण करेंगे तो क्या होगा, देखिए युधिष्ठिर के बारे में बताया गया था कि राजा युधिष्ठिर जो थे पांडवों के सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, तो उन्होंने अपने जीवन में सत्य का अवलंबन किया था। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र के बारे में भी सुना होगा। तो सत्य बोलने से हमको स्वयं को भी बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, बड़ी कठिनाई के साथ में अनुशासन को पाला जा सकता है। तो जैसे आपके जीवन में उन्होंने परम लक्ष्य को प्राप्त किया, बाद में जीवन भर उनको भले कष्ट मिला हो, लेकिन उसके बाद में जब उनको जो लक्ष्य प्राप्त हुआ, सत्य का उन्होंने अवलंबन किया, तो सत्य के माध्यम से उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त हुआ, हमारे जीवन का जो योग का परम लक्ष्य है उनको प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ साथ में अस्तेय का मतलब है विचार, और अस्तेय का मतलब होता, सीधे सीधे अर्थ होता, चोरी ना करना, चोरी। तो चोरी क्या है, चोरी का मतलब है किसी की वस्तु को छू लेना, ले लेना, या चुपके से उठा लेना। ये केवल इतना भर नहीं है, उसके साथ भी यही चीज आते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से क्या करना है, चोरी ना करना। हमारे मौलिकता हमारी बरकरार रहे, इसके लिए हमें क्या करना है, इस प्रकार से चोरी धन्यवाद के, और उसे क्या होता, चोरी करेंगे तो उसे हमें दंड भी मिलता, सामाजिक रूप से हमें दंड भी प्राप्त होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें इसका रखना है कि अस्ते अर्थात चोरी ना करना, इस बात का ध्यान रखते हुए आइए। इसके बाद में आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म मतलब होता है सत्यनिष्ठ बन करके ब्रह्मचर्य, मतलब अपने जीवन में हम चिंतन चरित्र, मतलब मन से वचन से कर्म से हम क्या करें, ब्रह्मचर्य को पालन करें। ब्रह्मचर्य हम अपने जीवन में कामुकता आदि की विषय की चर्चा ना करें, कामुकता के विषय के पर ज्यादा चर्चा ना करें, ब्रह्मचर्य को अपनाएं अपने। और ब्रह्मचर्य कैसा ब्रह्मचर्य, जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपनाया, और आप देख रहे हैं आप APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का अपना जीवन, बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी रहे हैं। इस ब्रह्मचर्य को करने से क्या होता है, वीर रक्षण होता है, शरीर में तेज आता है, और तेज आने के साथ में आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावकारी बनता है। तो ब्रह्मचर्य हमारे जीवन के बहुत उपयोगी है। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की चर्या के अनुसार चलना है हमको। और अगले जो क्रम में हमारा आता है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह वस्तु से अधिक मोह ना रखना। वस्तुओं के, अगर जो हम योग के मार्ग में जाना चाह रहे हैं, तो हम अगर जो वस्तु के प्रेमी होंगे, बहुत ज़्यादा हमें वस्तुओं से लगाव होगा, तो क्या होगा, हमें पदार्थों से, हमारे वस्तुओं का मतलब पदार्थों से, कोई भी पदार्थ हो सकते हैं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ से ज़्यादा जुड़ाव होगा तो हम योग से उतने दूर होते चले जाएंगे। हम जितना देखा होगा अपने ऋषि मुनियों ने क्या किया अपने जीवन में, ऋषि मुनि जब भी कभी योग साधना के लिए स्थान चुनते थे, कभी राजमहल में या राजा वगैरह भी, जैसे आपने सुना होगा विदेह रहे हैं, महाराजा जनक जी रहे हैं, ऐसे और भी अनेक राजा हुए हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जीवन में भौतिकता का
त्याग करना पड़ा उनको, भौतिकता वस्तुओं से त्याग करना पड़ा। और उसके बाद में क्या हुआ, वस्तुओं से त्याग करके मतलब आपकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ से बाहर हट करके अंतरंग की तरफ जब जाएंगे तभी हम योग के मार्ग की तरफ चल पाएंगे, और वो अपरिग्रह ही आपको ले जा सकता है। अपरिग्रह का मतलब है वस्तुओं का संचय ना करना, बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, उनसे ज़्यादा मोह नहीं रखना। अगर जो कोई भी चीज़ें हमसे, वस्तुएं हमसे खराब हो गई या हमारे हमसे दूर हो गई, चोरी हो गई, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ नहीं लाना। जब ये कंडीशन हमारे साथ में होगी, ये परिस्थितियाँ हमारे साथ बनेंगी, तो ये अपरिग्रह कहलाएगा। तो ये हमारे पाँच अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। किसके हैं अंग? यम के पांच अंग हैं। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। नियम दूसरा अंग है अष्टांग योग में, जो है आठ अंगों में दूसरा अंग है नियम। नियम नियम का तात्पर्य क्या होता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, चर्चा करेंगे कि आंतरिक अनुशासन। नियम के बारे में जो बात कही गई है, सोच संतोष, ध्यान दीजिएगा, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। ये पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के तीसरा श्लोक है, ठीक है। तो इसमें सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम के बारे में बताया गया है। तो नियम है क्या, आंतरिक अनुशासन व्यक्ति के आंतरिक जीवन को अनुशासित बनाता है। हमारा आंतरिक जीवन कैसा होना है, व्यक्तिगत जीवन कैसा हो, इसके लिए यदि हम नियम के पालन करेंगे, नियम की साधना करेंगे, इसके भी पांच अंग बताए गए हैं। नियम के भी पांच अंग बताएंगे, कौन कौन से अंग हैं, आइए हम जानते हैं। सोच, सोच, सोच का मतलब क्या है, सोच का मतलब होता है शुचिता से, पवित्रता से, पवित्रता। कहा गया है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभयाभ्यन्तरा शुचि। तो ये सोच का तात्पर्य है शुचिता से, शुचिता, शुचिता बहुत ही गूढ़ अर्थों में कहेंगे, सोच सोच का ही शुचिता है। सोच शुचिता का मतलब है पवित्रता से है, हमारी आंतरिक और बाह्य पवित्रता से, हम अंदर से भी पवित्र हों और बाह्य रूप से भी पवित्र हों, हम शरीर से भी पवित्र हों, मन से भी पवित्र हों और भावनाओं से भी पवित्र हों। तब क्या होगा, जाकर के शरीर मन और भावनाओं की विशुद्धि का क्या है, वो हम स्नान आदि करते हैं तो ये हमारी शारीरिक शुचिता हो गई, शारीरिक सोच हो गया, शारीरिक सफाई हो गई, शरीर से भी स्वस्थ रहना है, साफ रहना है, उसके साथ साथ में क्या करना है, मन से भी हमें साफ स्वच्छ रहना है, अच्छा रहना है। तो ये क्या कहलाएगा, सोच। उसके बाद अगले क्रम में आते हैं संतोष। अगला क्रम क्या हो गया, संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना। हमारे जीवन में क्या होता है, हम क्या होता है, कोई वस्तुएं नहीं है या कुछ कोई चीज़ें नहीं है तो हमें क्या लगता है कि हमें बड़ा अभाव सा रहता है। ये अभाव का भाव ना रहे तो ये क्या हो जाएगा, संतोष कहलाएगा हमारे जीवन में, अपने जीवन में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम भौतिक जीवन में जी रहे हैं, दूसरों को देख करके हमें लगता है कि ये वस्तु या ये चीज़ हमारे पास में होना चाहिए, ये बंगला, गाड़ी, कार, भौतिक संपदाएं हैं, ये हमारे पास भी होना। और देखा देखी में हम लोग क्या करते हैं बहुत सारा इसके लिए कर्ज ले लेते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, देख करके भले उन चीज़ों की हमें आवश्यकता ना हो, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों का संग्रह करते हैं। और संग्रह करना हमने नियम में, यम में ही बताया क्या है, अपरिग्रह, अपरिग्रह के लिए हमें उसमें ध्यान रखना। तो संग्रह नहीं करेंगे, जब संग्रह नहीं करेंगे तो हमारे पास में संतोष भी रहेगा, हम उसके लिए ये गुण हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। यदि हम इस गुण को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो संतोष से हमें क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, आत्मसंतुष्टि मिलेगी। हम संतुष्ट नहीं रह पाते हैं, वस्तुएं हमें कभी संतुष्ट नहीं रख सकती। संतुष्टि क्या रख सकती हैं, संतोष का अनुशासन, जो संतोष का अनुशासन अपने जीवन में उतारने से। संतोष यदि हम अपने जीवन में लाएंगे, इस बात को सोच करके करेंगे कि योग की साधना करने जा रहे हैं और हमें अपने जीवन में संतुष्ट रहना है। इसके बाद में आता है तप। तप का मतलब स्वयं से अनुशासित रहना, अपने से अनुशासित। तप का मतलब होता है जिस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, इनको करने में जो कठिनाइयाँ होंगी, तकलीफ होंगी, जो समस्याएँ होंगी, वो सारी समस्याओं को क्या करना है, हमें खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक उसको सहन करते हुए हमें योग के मार्ग की तरफ बढ़ना है। तो तप का मतलब होता है स्वयं से अनुशासित, अपने अंदर अनुशासित रहना किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपको भोजन से लेकर के खाने पीने से लेकर के इंद्रिय संयम से संबंधित जितनी चीज़ हो गई, वस्तु संयम से, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम, ये सारे संयम के लिए जितना भी हमको कष्ट होता है,
हमने बताया मन से करना है, तन से भी करना है, शरीर से भी करना है, मन से करना है, भावनाओं से भी करना है। तो ये जब हम सभी से करने की बात आ रही है तो इनको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर आत्मबल, आत्मबल होना चाहिए। और वो आएगा आत्मबल तप के द्वारा। तप का मतलब होता है अभ्यास करना, निरंतर करना, और उसके लिए संतुष्ट होकर के करना, संतोष के द्वारा संतुष्टि आएगी। तो तप स्वयं से अनुशासित रहना, अपने अंदर से अनुशासन लेकर आना तप कहलाता है। अगले क्रम में हम बढ़ते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब स्वाध्ययन, स्वाध्ययन। हम अपने बारे में अपने आप को जाने, हम दुनिया के बारे में करते हैं आत्म, इसमें जैसे बताएगा स्वाध्याय के बारे में आत्मचिंतन। स्वाध्याय का मतलब पुस्तकों को पढ़ना ही नहीं है, स्वाध्याय का मतलब है स्व अध्ययन, अपना अध्ययन। अध्यात्म की जो बात है तो अध्यात्म में यही बात है, अध्य आत्म, अपने बारे में जानना। तो आत्मचिंतन करना, अपने बारे में जानना, अपनी इच्छाओं के बारे में जानना, अपने इच्छाओं के साथ साथ में अपने अंदर की जो शक्तियां हैं, अपने अंदर के जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन चीज़ों को जानना और अपने अंदर की शक्ति को समझना, ये आत्मविश्वास आपको पैदा करेगा और ये स्वाध्याय कहलाएगा। स्वाध्याय, अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना। हम दुनिया भर की चीज़ों के बारे में जानते हैं लेकिन अपने व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, क्या हम झूठे हैं या हम सच्चे हैं, क्या हम परोपकारी हैं या हम स्वार्थी हैं। ये सब चीज़ें जो है हमें कैसे पता चलेगी, जब हम अपने बारे में आत्मचिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। आत्मचिंतन स्वाध्याय के माध्यम से धीरे धीरे आगे प्रगति पथ पर बढ़ते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं आगे के क्रम में ईश्वर प्रणधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा। अब ये इन सब चीज़ों के साथ साथ में क्या है, ईश्वर प्रणधान। इन सब चीज़ों को करते हुए क्या होगा, आपको ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति विश्वास हमें बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। हमारा जीवन सिर्फ हम ही नहीं है, जैसे विज्ञान एकाग्री होकर के कहता है कि क्या कहता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है। नहीं मित्रों, ईश्वर है, ईश्वर ने ही सृष्टि का संचालन कर रहा है, ईश्वर ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है। जो भी कुछ चल रहा है सुबह शाम से लेकर दिन रात से लेकर के इतने सुव्यवस्थित रूप से जो चलता चला रहा है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके पीछे किसी न किसी एक शक्ति का हाथ है और उस शक्ति का हाथ ही ईश्वर है। वो क्या है, ईश्वर है। उसकी सूक्ष्म उपस्थिति सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विद्यमान कहा गया है। तो ऐसे ही जब हम योग की साधना करेंगे तो योग की साधना में हमें ईश्वर पर, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। कहते हैं श्रद्धा, ये सारा जो योग का ज्ञान है, तो योग का ज्ञान है, हमारे ऋषि महर्षि ने भी इस बारे में बताया है कि श्रद्धावाने लभते ज्ञानम। जब हमारे जीवन में श्रद्धा होगी, और किसके प्रति श्रद्धा होगी, श्रद्धा अलग अलग विषयों में हो सकती है लेकिन सबसे ज़्यादा श्रद्धा हमारे जीवन में हमें ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, जिसने हमें उत्पत्ति किया, जिसने हमारा हमें जन्म दिया, हमें आगे बढ़ाया। आज हम छोटे थे तो जन्म के समय पर हमारे माँ के स्तनों में दूध दिया, हमने उनका सेवन किया, सेवन करने के बाद में आगे बढ़े। तब हमारे मुंह में दांत नहीं थे लेकिन माँ के माध्यम से आंचल में दूध दे करके हमको आज इतना बड़ा कर दिया है। ऐसे ही हमारे जीवन में इस बात का विश्वास बना रहना चाहिए कि यदि हमको जन्म मिला है तो उस जन्म के नाते ईश्वर हमको हमेशा अच्छे राह पर अच्छे तरीके से लेकर के चलेगा। हमारा पालन करने वाला कोई और है तो वो है कौन, है ईश्वर है। और इस बात के लिए हमें पूर्ण समर्पण और श्रद्धा होना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण। तो ये हो गए हमारे पांच नियम, ये सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधान। अब आगे बढ़ते हैं इसमें योग के यम नियम क्या कौन कौन से, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधान, ये हमारे जो अलग अलग अंग आते हैं उसके विषय में हमने बताया योग के यम नियम। अब आगे बढ़ते हैं आसन के बारे में। तीसरा अंग हमारा, पहला यम, दूसरा नियम। यम और नियम के पांच पांच अंगों के बारे में जाना, अब आसन के बारे में जानेंगे। तो दूसरे अध्याय, महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा हुआ जो योग सूत्र है उसके दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में बताया गया है आसन के बारे में। आसन, आसन का मतलब क्या होता है हम समझें। आसन का मतलब हम समझते हैं जैसे कि एक तो बिछाने वाले, जो हमारा कोई भी चादर है, दरी है, या जो कुछ होता है, मैट होता है, ये आसन कहलाता है। लेकिन इसके साथ साथ में आसन का एक विस्तारित रूप ये है कि हमारे शरीर की जो स्थिति होती है, हमारे शरीर की स्थिति,
वो हमारे आसन है। जैसे मैं अभी इस मुद्रा में खड़ा हूँ, हाथ को इस तरह से रख करके, तो ये हमारा एक आसन की एक स्थिति हो गई। तो स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, शरीर की स्थिति को ही हम आसन कहते हैं। और वो कौन सी आसन स्थिति होनी चाहिए, तो महर्षि पतंजलि ने बहुत ही सरल तरीके से बताया है, अच्छे तरीके से बताया है कि शरीर की वह स्थिति जो स्थिर हो और सुखदायक हो अथवा आरामदायक भी, वह आसन है। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर हो, सुख मिल रहा हो और आरामदायक हो, तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। आजकल योग अभ्यास जब करते हैं लोग, तो ऐसे ऐसे अभ्यास करते हैं जिसमें शरीर को तोड़ मरोड़ करके करते हैं, वो कुछ एडवांस स्थिति होती है, लेकिन आसन का मतलब वह नहीं है। आसन का मतलब ऐसा है कि हम अधिक से अधिक समय तक, हम देर से देर तक हम सुखपूर्वक बैठ सकें, स्थिर होकर के बैठ सकें, तो वह आसन कहलाता है। आसन के बाद में चौथा अंग जो हमारा है, चौथा अंग हमारा है प्राणायाम। प्राणायाम तो इसमें प्राणायाम के बारे में बताया है, कौन से दूसरे अध्याय के 46वें में, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेदः प्राणायामः। तो इसमें क्या बताया है कि आसन के सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद कर, यानी रोक करके बराबर कर देना ही प्राणायाम है। आसन जब हम करते हैं तो आसनों से हमारे शरीर में क्या आता है, अभी इसमें एक सूत्र और भी था जिसमें बताया गया है आसनेन भवेत दृढ़म। हमारे शरीर में आसन करने से क्या होता है, शरीर में दृढ़ता आती है, मजबूती आती है। जब मजबूती आ जाती है, हम देर तक हम स्थिर होकर के सुखपूर्वक बैठ पाते हैं, तो जब पूर्वक बैठते हैं तो क्या कहलाता है, वो आसन। अब उसी को बैठ करके जब हम आसन में सिद्ध हो जाता है, हम बैठ पाते हैं, ज्यादा अधिक देर तक बैठ पाते हैं, तब हम श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद करते हैं। विच्छेद का मतलब होता है कि रोक करके बराबर कर देना। हम जब अंदर रोकने का तात्पर्य क्या होता है, कुंभक, अंदर श्वास रोक रहे हैं तो क्या हो गया, अंदर श्वास रोक रहे हैं तो अंतः कुंभक हो गया, श्वास बाहर करके उसके बाद बाहर रोक रहे हैं तो क्या हो गया, वाह कुंभक हो गया। दो प्रकार के कुंभक होते हैं, तो जब हम कुंभक करके उस करते हैं तो ये क्या होता है, प्राणायाम कहलाता है। तो इसमें आसनों को सिद्ध होने के बाद में जो होता है उसे हम रोक करके बराबर कर देते हैं, प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम से क्या होता है, प्राणायाम से हमारे शरीर के अंदर, इसे तो हम आसनों के माध्यम से हम शरीर को हष्ट पुष्ट कर लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, स्थिरता आ जाती है हमारे शरीर में, लेकिन शरीर को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है होती है प्राण। वो प्राण कहाँ है, वो बाह्य जगत में है, विद्यमान है, सब सर्वत्र विद्यमान है, बशर्ते क्या है, हम लोग लेने में कोताही करते हैं। हमारे जीवन में भोजन, पानी और प्राण मतलब श्वास, ये तीन चीज़ें जरूरी हैं। इन तीनों चीज़ों में अगर जो हम भोजन को भी कुछ समय तक ना करें जीवित रह सकते हैं, पानी भी कुछ समय ना पिए तो जीवित रह सकते हैं, यदि कुछ मिनट या कुछ पल के लिए हम श्वास लेना बंद कर दें तो हम निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो प्राण हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारे एक एक कोशिकाओं में जा करके, हमारे शरीर के एक एक अंगों को, हमारे शरीर के पूरे तंत्रों को क्या करती है, प्राण ऊर्जा देती है। और इसी प्राण के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जीवन टिका हुआ है। जब हमारे शरीर के अंदर से प्राणों की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारा जीवन समाप्त हो चुका होता है, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है। तो इसलिए हमें क्या होता है, प्राणों का संचय करना है, प्राणों को रोकना है। और प्राणों को कैसे रोक सकते हैं, प्राणों को कैसे स्थित कर सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम में कई प्रकार के प्राणायाम के बारे में आपको चर्चा आगे मिलेगी, लेकिन अष्टांग योग में प्राणायाम के बारे में चर्चा नहीं की गई है। कई प्रकार के कुंभक के बारे में बताया गया है, अष्ट कुंभक के बारे में बताया गया है, तो उनको कभी उस विषय पर भी हम आपको लेकर के चलेंगे। तो प्राणायाम के बारे में ये सब बातें हैं कि हमें इसको संयमित करना है। अब इसके बाद में अगला जो क्रम है प्रत्याहार, पांचवा जो अंग है, आठ अंगों में पांचवा अंग प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ समझ लेंगे एक बार। प्रत्याहार के बारे में कहा गया, स्व विषय संप्रयोगी चित्त स्वरूपा नकार इंद्रियाणाम प्रत्याहारा। दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में इस बारे में बताया गया है कि प्रत्याहार क्या है। प्रति प्लस आहार, प्रति मतलब प्रत्याहार मतलब उसकी प्रति। तो इसमें बताया गया इंद्रियों को बहिर्मुखी विषय से मुक्त करके अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार है। हम अभी जब हम आसन सिद्ध हुआ, उसके बाद में प्राणायाम हमने किया, प्राणायाम के माध्यम से हमारा मन क्या हो गया, अब एकाग्रचित हो रहा है। मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है मन को एकाग्रचित करता है प्राणायाम। तो प्राणायाम के बाद में जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, हमारी इंद्रियां कौन कौन सी है, पांच
पांच इंद्रियां कौन सी हैं? हमारी पांच बहिरंग, क्या बोलते हैं, अंतरंग इंद्रियां और बहिरंग इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रियां, ये पांच इंद्रियां हैं। और इनका सबसे जो राजा कहलाता है इंद्र, कौन कहलाता है? मन। तो वो उसको हमें क्या था, इंद्रियों के साथ साथ मन में भी, इसमें एक विषय रह गया मन, तो मन को भी क्या करता है, इंद्रियों के साथ साथ में मन के विषय को विषय से मुक्त करके अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार है, विषयों से मुक्त करना। विषय क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब विषय हैं। ये हमारा जो भौतिकता से ज्यादा लगाव, ये भी सब विषय के अंतर्गत आता है। तो इंद्रियों क्या है, हमारी इंद्रियां इस ओर लगी हुई हैं, सारी शक्ति उस ओर लगी हुई है, हमें उस शक्ति को संचित करना है, उसको क्या करना है, अंतर्मुखी बनाना है, अंतर्निहित हो जाना है हमको, इसलिए अंतर्मुखी बनाना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार है, प्रत्याहार। तो जब प्रत्याहार करते हैं तो ये पांचवें अंग में हम प्रत्याहार तक पहुँचते हैं। प्रत्याहार के बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो छठी जो छठे नंबर पर हमारे जो योग का अष्टांग योग का अंग है वो कहलाता है धारणा। धारणा के बारे में बताया गया है 3:3 के पहले श्लोक में बताया गया है, देश बंधश्चित्तस्य धारणा। देश का मतलब क्या हो गया? देश का मतलब किसी कंट्री से नहीं है, देश का मतलब है एक विशेष स्थान, कोई भी स्थान हो सकता है, हमारे शरीर में भी विशेष स्थान, उसको भी हम देश कह सकते हैं। इस एक कोई भी स्थान है हमारे आसपास में, उस स्थान को हम देश कह सकते हैं। देश बंधस्य मतलब होता बांधना, देश मतलब एक देश मतलब एक विशेष स्थान पर बांधना। क्या बांधना है? अपने चित्त को किसी देश विशेष में, देश विशेष में केंद्रित करना, किसी एक स्थान विशेष में, यहाँ पर चित्त है, चित्त का बांधना धारणा है। तो ये हमें क्या करना है, हमारे अपने मन को, हमारे अपने चित्त को किसी विशेष स्थान में केंद्रित कर देना। अब विशेष स्थान में धारणा के विषय में बताया है कि जब हम प्रत्याहार स्थिति के बाद में हम अंतरंग स्थिति में आते हैं तो हमारे मन का स्वभाव है चंचल हो जाना, बार बार चंचल हो जाता है मन, बार बार इधर उधर आने जाने लगता है। तो हमें क्या करना है, इसे किसी एक विषय में लगाना है, किसी एक विषय की तरफ ले चलना है चित्त को। जब ये क्रम आता है तो इसको क्या कहलाता है धारणा। धीरे धीरे ये जब प्रत्याहार करते हैं, प्रत्याहार की स्थिति जब परिपक्व होने लगती है, आगे बढ़ने लगती है, तो हम किस स्थिति में पहुँचते हैं, धारणा की स्थिति में पहुँचते हैं। ये धारणा के विषय में अगले फिर सातवां जो सूत्र है, सातवां जो स्थान है, कौन सा है? सातवां है तत् प्रत्येकतांता ध्यानम। तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है तो ध्यान, तत् प्रत्येकतांता ध्यानम। तो इसके बारे में कि उस देश विशेष में अपने ध्येय, लक्ष्य, विषय, विषय ज्ञान या वृत्ति का लगातार एक जैसा बने रहना ही ध्यान है। उस देश विशेष, हमने अभी जब धारणा में कहा कि हमें किसी देश मतलब किसी स्थान, किसी एक चीज पर हमको लगाना है, एक बिंदु पर हमको लगाना है, एक स्थान पर लगाना, हम जब ये स्थान में जब विषय ज्ञान या वृत्ति का लगातार एक जैसा बना रह रहा है, यदि हम उसी में एकाग्र हो जा रहे हैं, जब धारणा करते हैं तो धारणा करते 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 ये स्थिति आ जाती है कि हमारी जो चित्त है, जो हमारा जो चित्त है वो क्या करता है, लक्ष्य जो हमने जिस लक्ष्य को बनाया है उस लक्ष्य की ओर चला जाता है, ध्यान कहलाता है। ध्यान के विषय में हम और सरल रूप में बताएं तो जैसे वायु पर चलने वाले यान को क्या कहते हैं, वायुयान कहते हैं, जल पर चलने वाले को क्या कहते हैं, जलयान कहते हैं। ये जो वायु है ये एक देश है और जल क्या है, ये भी एक देश है, देश का मतलब है स्थान। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, इसके ऊपर अपने धी, धी मतलब है बुद्धि, धी का तत्पर्य होता है बुद्धि, बुद्धि को हमें इस पे चलाना है, किस पे चलाना है, धी मतलब बुद्धि के ऊपर, जब बुद्धि के माध्यम से हम एक एक स्थिर होकर के ले चलते हैं, चित्त को लेकर के चल रहे होते हैं तो क्या कहलाता है, ध्यान, ध्यान, ध्यान। तो उसी क्या करना है, हमें एकाग्र चित्त करना है, हमें किसी एक बिंदु पर, एक विषय पर, एक बात पर, वो कई प्रकार की कोई भी चीज़ हो सकती है, बहिरंग भी हो सकती है, अंतरंग भी हो सकती है, ये बना रहे अगर जो ये लगातार बना रह रहा है, ये नहीं कि आप कुछ समय के लिए हुआ, लगातार यदि बना रहे तो ध्यान होता है। और ध्यान के लिए आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, अभ्यास, अभ्यास। जब लगातार इस तरह का अभ्यास करते चलते हैं तो क्या होता है, हमारा मन एकाग्र होते हुए ध्यान की स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये हो गया ध्यान। इसके बाद में अगला है समाधि, आठवां अंग जो हम सबसे अंतिम अंग है वो है समाधि। देवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक हमारा है ध्यान, समाधि के बारे में, अर्थात जब ध्यान में केंद्रित ध्येय मात्र की
प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है, तब वह ध्यान ही समाधि हो जाती है। जब ध्यान की अवस्था में चलते रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं, ध्यान की अवस्था में बैठे बैठे हमारा मन एकाग्र होता चला जाता है, तो मन प्रतीत केवल मात्र प्रतीति होती है कि हम केवल ध्येय की प्रतीत रह जाती है, हमारा ध्येय यानी हमारा लक्ष्य की प्रतीत रहती हो जाती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है। हमारे चित्त हम उसमें भूल जाते हैं, चित्त हमारा कहाँ चला गया, ये हम हमारे विषय से हट जाता है, तब क्या कहलाता है, वही स्थिति जो होती है समाधि कहलाती है, समाधि की अवस्था होती है। तो समाधि के लिए हमने अपनी बात बताया, तो ये आपने आज जाना होगा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग हैं और इन अष्टांग योगों में हमने सब व्यवस्थित तरीके से जाना कैसा है। तो आप लोगों को निश्चित ही आज अष्टांग योग राजयोग के बारे में समझ में आया होगा। इन राजयोग के इन आठों अंगों का पालन करके हम योग की परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही सरलतम रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आजकल योग को हम सब लोग ये समझते हैं कि हम अगर जो अभ्यास हमने कर लिया केवल शारीरिक या मानसिक रूप से बैठ करके एक आध घंटे के लिए तो वो योग हो गया। योग ऐसा नहीं है, योग चलते फिरते उठते बैठते हमारे जीवन में बना रहे इसके लिए योग अति उपयोगी है। तो आइए हम यहीं पर अपनी इस विषय को अष्टांग योग या राजयोग के विषय को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं।